स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आर्थिक विज्ञान अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ए डारोन असामोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। बी डेविड कार्ड, जोशुआ एंड्रिस्ट, गुइडो एम्बेंस। सी अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर। डी पॉल रोमर, विलियम नॉडहॉर्स। आंसर ए डारोन असामोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। एक्सप्लेनेशन। 14 अक्टूबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस विक्सबेंट पुरस्कार डारोन असामोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को उनके शोध के लिए प्रदान किया गया कि संस्थान कैसे बनते हैं और देश की समृद्धि पर उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। अगला प्रश्न। 2025-26 के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली? ए मसूर, बी रैपसीड और सरसों, सी चना, डी गेहूं। आंसर बी रैपसीड और सरसों। एक्सप्लेनेशन। सबसे अधिक MSP वृद्धि रैपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल है। 2025-26 विपणन सत्र के लिए नया MSP 5,950 है तथा मसूर के लिए वृद्धि 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है, जबकि गेहूं का नया MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल है। अगला प्रश्न। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ए हरमनप्रीत कौर, बी झूलन गोस्वामी, सी मिताली राज, डी नीतू डेविड। आंसर डी नीतू डेविड। एक्सप्लेनेशन। ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज अलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज ABD विलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम का उद्देश्य क्रिकेट के इतिहास में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने 9000 टेस्ट रन पूरे किए हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी KL राहुल, डी ऋषभ पंत। आंसर बी विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ M चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे पहले मैच में 9000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। हालांकि इनमें से कोहली 197 पारी के हिसाब से इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे स्लो बल्लेबाज रहे। अगला प्रश्न। किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? ए कृति सैनन, बी विराट कोहली, सी रश्मिका मंदाना, डी अनुष्का शर्मा। आंसर सी रश्मिका मंदाना। एक्सप्लेनेशन। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IRC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। बता दें कि रश्मिका पिछले साल एक डीपफेक वीडियो का शिकार भी हुई थी। इसकी मदद से डीपफेक, साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।